आज के वीडियो में हम तीन बातें जानने वाले हैं। किस करने का सबसे सही तरीका कौन सा है, टाइप्स ऑफ किसेस क्या है और किस करने के फ़ायदे क्या है। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम किस करने का सही तरीका जानते हैं, उसमें पहला है क्लीननेस यानी स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब क्या है? मतलब कि आप साफ़ सुथरे हो, आपके कपड़े, आपका चेहरा, आपके मुंह से बदबू ना आती हो, ये सबसे पहले देखना आवश्यक है। क्योंकि जब माहौल बन जाएगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहला अनुभव, या फिर समझ लीजिए कि ये अनुभव उनके लिए बहुत ही मायने रखता है, वो दूसरी बार किस करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले क्लीननेस। दूसरा है रोमांटिक माहौल। किस करने से पहले आपको एक रोमांटिक और प्यार भरा माहौल तैयार करना चाहिए, या तो फिर ऐसे ही माहौल में आना चाहिए जैसे कि बारिश हो, रात का समय हो, लाइटिंग हो, या कोई अकेले में आप बैठे हैं जहाँ पे अच्छी रोमांटिक बातें हो रही हो, एक दूसरे पे भरोसे की बातें हो रही हो, एहसास हो रहा हो, ऐसा कुछ रोमांटिक माहौल हो तो ये सही तरीका है। तीसरा है चुंबन का स्थान, यानी किस करने का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप शुरू हो गए, कुछ भी कर रहे, नहीं, सामने वाले को भी कंफर्टेबल लगना चाहिए, उनको भी अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए स्थान बहुत ही आवश्यक रहता है। तो ये पूरा स्थान, समय, क्लीननेस, रोमांटिक माहौल, ये किस करने का सही तरीका होता है। अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ किसेस क्या है, अलग अलग किसेस क्या है। तो पहला फॉरहेड किस, यानी कि माथे पे किस किया जाता है, जो दर्शाता है कि वो कितना भरोसे के पास है, कितना बॉन्डिंग बता रहे हैं, कितना प्यार जता रहे हैं। दूसरा है चिक किस, यानी कि गालों पे किस, प्यार की शुरुआत यानी कि रोमांस की शुरुआत वहाँ से की जा सकती है, गालों पे किस करके। तीसरा है जो हम सबका फेवरेट है, वो है लिप्स किस, होठों से होठों को मिलाया जाता है, जिससे एक अलग ही हार्मोनल रिएक्शन होता है, अंदर केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में और हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। अब वीडियो के अगले पार्ट में बढ़ते हैं किस करने के फ़ायदे क्या है। देखिए, तीन सबसे बड़े फ़ायदे जो हर कोई फील कर सकता है किस करने के बाद तुरंत। सबसे पहला, स्थायिता बढ़ाना। किस करने से आपके रिश्तों में ट्रस्ट बढ़ेगा, स्थायिता बढ़ सकती है, प्यार और समर्पण का संकेत है। ऐसा ये संकेत दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए वो डेडिकेटेड है, एक अच्छी फीलिंग आती है जो भरोसा पैदा करती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, खुशी और स्वास्थ्य। किस करने से आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्पन्न होता है, जिससे खुशी और स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और ये आप सीधा महसूस कर सकते हैं। कई बार कई रिपोर्ट्स में देखा जाता है कि जिनका रिश्ता अच्छा है, जो किस करते रहते हैं, रोमांटिक होते हैं, वो खुश रहते हैं, स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन बार बार रिलीज होता रहता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है स्ट्रेस कम करना। जैसे आप मूवीज़ में या इधर उधर देखते होंगे, वेब सीरीज़ में, कि जैसे ही स्ट्रेस या कोई दिक्कत है तो तुरंत सामने वाला किस करता है, उसके बाद उनको अच्छा लगता है, मन शांत होता है, इससे शांति की भावना होती है और जो स्ट्रेस है वो कम होता है। तो शांति जैसे ही दिमाग में आते, कुछ नए आइडियाज़ भी आने लगते हैं, तो स्ट्रेस कम करने के लिए भी किस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। हमने एक किस को इस नज़रिए से देखा है कि जैसे कि कुछ लोग इसे कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इसको आप पॉजिटिव वे में ले या ना ले, ये पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है एक रिश्ते के लिए। तो रोमांटिक होने के लिए अलग अलग टाइप्स की किसेज आप कर सकते हैं, सही तरीका आजमा सकते हैं और इसके फ़ायदे कभी ना भूले। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि आपने कभी किस किया है या नहीं। तो मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे जी अभी फ्रांजा मजमू लैला, जो भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।